आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ दही वाले आलू की सब्जी। देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये सब्ज़ी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि दही आलू हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। और कुछ अलग सब्जी खाने का मन करे तो ये झटपट रेसिपी आलू दही की आप ट्राई कर सकते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे आलू बॉयल्ड आलू ले ली हूँ सब्जी बनाने के लिए। मैं इसे 3 सीटी आने तक बॉयल कर ली हूँ। इसके छिलके उतार के मैं इसमें टूथपिक की हेल्प से छोटे छोटे होल कर ली हूँ ताकि मसाला अंदर तक जाए। और इसमें मैं थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से रेड चिली पाउडर, थोड़े से सॉल्ट मिक्स कर लूँगी, अच्छे से कोट कर लूँगी इसके ऊपर और फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। देख सकते हैं यहाँ मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दी हूँ। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करी हूँ, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा गर्म कर लूँगी फिर इसमें आलू डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ आलू है मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। 2-3 मिनट तक मुझे फ्राई करना है इसे। देख सकते हैं आलू यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर सेम पैन में मैं 1 बड़े चम्मच तेल और ऐड कर दी हूँ। अब इसमें मैं 1 छोटे चम्मच क्यूमिन सीड्स ऐड कर दी हूँ, इसे थोड़े से पकने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ ऑनियन और इसे सॉटे होने दूंगी 1 मिनट के लिए। यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड कर दूँ, ये मार्केट वाला है, आप चाहे तो होममेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ऑनियन सॉफ्ट होने तक इसे भून लूँगी। 2 मिनट इसे भूनना होगा। 1 बड़े चम्मच दही ले ली हूँ, फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। और इसमें मैं सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑनियन रेडी है। अब मैं ऐसे कर दूंगी गैस यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा हो चुका है ऑनियन, अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ दही मसाले का मिक्सचर। गर्म में इसलिए नहीं डालना है क्योंकि कभी कभी दही फट जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे मसाला भून के रेडी है। 8 to 10 मिनट में मसाला हमारा रेडी हो जाता है भून के। यहाँ पे कढ़ाई छोड़ रहे हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और इसे 2 बॉयल आने तक पका लूँगी। देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ चुकी है। अब मैं इसमें आलू को ऐड कर देती हूँ और ढक के 5 मिनट तक पका लेती हूँ। आलू ऑलरेडी बॉयल है तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट ही इसे पकाना है। देख सकते हैं हमारा सब्जी रेडी है। अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ और मैं अब इसे सर्व कर लूँगी। यहाँ पे सर्व कर लेती हूँ। ये रोटी, राइस, पूरी, पराठे सबके साथ परफेक्ट जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। फिर मैं फ्रेश कोरिएंडर लीव से इसे थोड़ा गार्निश कर लेती हूँ। देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। और ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।